अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और ये दोनों बच्चे निकल पड़े बारिश में जाने के लिए ट्यूशन। मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। लगाई थी माँ बेटी आज हाथ में मेहंदी, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अलीना माहिर का ट्यूशन काफ़ी दूर नहीं है, बट रास्ता बहुत सारा कुत्ता और पानी होता है। ये वाला पीलो माहिर मंगाया है ऑनलाइन मीशो से, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और दिन भर वो पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा है, ना जाने क्यों इतना ज़्यादा उसको बुक्स ज़्यादा ये पीलो से मोहब्बत हो। हम दोनों पापा मम्मी चले अलीना का स्कूल, क्योंकि अलीना का स्कूल में था PTM। आकर पढ़ा नमाज, थोड़ा सा पढ़ा हदीस और बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि सुकून तो आखिर इसी में ही मिलता है। पूरी दुनिया जहाँ घूम लो, दीन की बातों में, कुरान में, नमाज में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। तो चलो लंच का तैयारी। लंच में बना रही हूँ खिचड़ी और थोड़ा सा बनने वाला है मटन। उसके बाद था दावत फूफी के घर पे। फूफा जा रहे हैं उमरा के लिए, वहाँ से दावत खाकर चली मायका। वहाँ थोड़ा भतीजियों के साथ थोड़ा मस्ती तो बनता ही है। माहिर को भी हो गया है याद बहुत सारा दुआ, और ना जाने क्यों उसके अंदर जितना बदमाशी है उतना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है पढ़ाई को लेकर। का सेरेमनी, और ये रही हमारी नतनी। और जो पहले बच्ची थी वो थी मेरे मामा की पोती यानी मेरी भतीजी। तो नतनी का तो बाबा नाना का साथ ही होगा ना, पूरा पार्टी में ये दोनों चिपके हुए थे, नाना और नतनी। ये है मेरे दादा यानी लास्ट विकेट। सब पूछ रहे आपके दादा हैं जी? ये मेरे दादा के छोटे भाई हैं और वो मेरे दादा की छोटी बहन है, अपने दादा और दादी तो नहीं है। ये हमारे जीजा जी जो रहते हैं केसपुर में, जो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा उन्हीं का बेटा का एंगेजमेंट में मैं गई थी, तो इनका हो गया है पेट इतना बड़ा खा खा कर, वही वो दिखा रहे थे। तो एंगेजमेंट जिसका है उसको तो दिखाना बनता ही है। ये है दूल्हे राजा जो बहुत शर्मा रहे हैं क्योंकि ससुराल से आया बहुत सारा ड्राई फ्रूट, चॉकलेट एंड मीठा, ये सब मस्ती चला, बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद कुछ एक एंगेजमेंट हो या शादी वाला घर खोल रहा है। और ये नानी नाना और नतनी का कुछ फ़ोटो। चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।